नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि सर मार्केट बहुत वोलाटाइल है और हम लोग लो रिस्क इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं। तो बात करेंगे आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है इजी प्लान, जहाँ पे आप लो रिस्क में अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, 24/7 आप कभी भी यहाँ से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात कि इस ऐप के थ्रू आपको रेगुलर रिमाइंडर मिलता रहता है कि आपको गोल के लिए कितनी सेविंग्स करनी है। इस ऐप के थ्रू आप अपनी सेविंग्स को ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसने पिछले 13 सालों में बैंक से बेहतर रिटर्न बनाकर दिए हैं। ये बहुत ही लो रिस्क है और शेयर मार्केट में पैसे का निवेश नहीं करता। यहाँ पर FD जैसा कोई भी लॉक इन पीरियड भी नहीं होता है। आप यहाँ पर 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और जब मन चाहे तब पैसा डाल सकते हैं। कभी भी कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर आपकी स्किप होती है तो आपको किसी भी तरीके की पेनल्टी नहीं देनी पड़ती। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात को शुरू करेंगे सबसे पहले स्विंग ट्रेड स्टॉक से। तो देखिएगा, आप लोगों को बताया जाता है, हर एक तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है और आपसे कहा जाता है कि किस तरीके से आप अपनी नॉलेज के हिसाब से विद एक्सपीरियंस आप चीज़ों को समझ के आप मार्केट से रिटर्न बना सकते हैं। आई होप आप सभी बिगिनर्स स्विंग ट्रेड स्टॉक को समझ रहे होंगे, किस तरीके से स्टॉक का सिलेक्शन करना है, कैसे परफेक्शन लाना है, ये आपको समय के अनुसार आएगा और लॉजिक भी बहुत क्लियर होते हैं ताकि आपको धीरे धीरे करके विद एक्सपीरियंस आपको भी ये चीज़ समझ में आने लगे और आप भी मार्केट से रिटर्न बनाने लगे। तो हमेशा कहता हूँ कि देखिएगा, हर चीज़ को समझिए, लर्निंग विद अर्निंग कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़िए और धीरे धीरे आप मार्केट में जब सर्वाइव करेंगे विद इन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर तो आपको चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि विद इन 2 डेज पहले हमने आपको एक स्टॉक प्रोवाइड करा था, फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया थे, आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो देखिएगा, बाटा इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, 1340 का लेवल बताया गया था आपको और अगर आज आप देखेंगे तो स्टॉक ने 1360 का लेवल अचीव किया है, तो इट इज़ वेरी गुड। बट ये चीज़ें आपको अपने आप कैसे आएंगी, विद एक्सपीरियंस, धीरे धीरे आप खुद से सिलेक्शन करना सीख जाएंगे। आप जो भी नॉलेज प्रोवाइड करी जाती है आपको देखनी है, 2 दिन पहले का वीडियो आप देख सकते हैं जाके YouTube चैनल पे और वहां पे आपको लेवल भी बताए गए थे। तो यही कहते हैं, लर्निंग विद अर्निंग कॉन्सेप्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो आगे बात करेंगे, सबसे पहले देखिएगा जो डिले हो रहा था वो डिले की डेट रखी गई थी 5 नवंबर को। आपको बताया लोन मॉरेटोरियम में बैंकों को देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर मिला था कि स्कीम बनाई गई थी तो उसमें बताया गया था कि जो भी डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का वो उन्हें क्रेडिट करना है इसके बोरोवर के खाते में करना है। RBI ने इसकी डेडलाइन दी थी 5 नवंबर को और देखिएगा आपको देखने को मिलेगा बैंक स्टार्ट क्रेडिटिंग कैशबैक इन अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर। तो देखिएगा इससे क्लियर कट क्या व्यू आएगा, व्यू क्लियर कट ये आएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के लिए जो नेक्स्ट हेयरिंग होनी है, नेक्स्ट हेयरिंग कब होनी है, 18 नवंबर के आसपास, तो उसमें देखिएगा चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को क्या चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन। तो अब जब तक हेयरिंग की डेट आएगी तो वहाँ पे देखिएगा चीज़ें अब तक बैंक के कस्टमर के खाते में अमाउंट जा चुका होगा, सब कुछ क्लियर कट होगा, तो हो सकता है आपको डिसीजन आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों पे भी बहुत सारा असर पड़ता है। अगर आप देखेंगे, बैंक हैव स्टार्टेड डिपॉजिटिंग द इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन एंड क्रेडिट कार्ड EMIs ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड। तो देखिएगा यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन आ चुका है, बैंक्स के साथ साथ NBFCs ने भी डिपॉजिट करना शुरू कर दिया है इस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की जो भी आपका अमाउंट था। कस्टमर हैव स्टार्टेड रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम द बैंक्स एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशन अबाउट द क्रेडिट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन लोन अप टू ₹2 करोड़। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी, इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस है अभी भी,
वो चीज़ क्लियर कट हो जाएगा और वहाँ से क्लैरिफिकेशन अगर आ जाता है तो अब डिपेंड करेगा बैंक्स कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर आप देखेंगे बैंकिंग के रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं, तो अगर बैंक्स अच्छा बेहतर परफॉर्म करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको देखेगा ये जो क्लियर कट रैली है वो आपको सर्टेनिटी की ओर बढ़ते हुए दिखेगी। तब आप सर्टेन व्यू लगा सकते हो कि बैंक के नतीजे कैसे आएंगे, बैंक में किस तरीके का माहौल बना हुआ है, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। जो एक छोटा सा इवेंट था वो क्लोज हो जाएगा, इसलिए ये पर्टिकुलर न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड यूजर्स को भी बेनिफिट मिलेगा इस पर्टिकुलर स्कीम का, जैसे कि देखने को मिल रहा है विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ द स्कीम ऑन ड्यूज, तो यहाँ से सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो रही हैं। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे बहुत बढ़िया तेजी हो चुकी है, बहुत बढ़िया तेजी चल रही है और लगातार कॉन्टिन्यूसली तेजी चल रही है। कल हम लोगों ने बात करी थी दो चीज़ों पे कि रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करती है। तो शुरुआत में बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा मूव नहीं दिख रहा था, बट ड्यूरिंग द सेशन जैसे जैसे समय बढ़ा मार्केट का तो एक बढ़िया रैली बनी और वहाँ पर कुछ बैंकों ने तो आउट परफॉर्म किया, जिसमें RBL बैंक आप देख सकते हैं, जिसमें आप फेडरल बैंक देख सकते हैं, बढ़िया आपको जो रेजिस्टेंस पे स्टॉक आते हुए देखने को मिल रहा था। तो यही सब चीज़ें बताता हूँ कि थोड़ा सा वेट एंड पेशेंस रखेंगे तो हर चीज़ अचीव होती है, बट सही टाइम पे आपको ये भी समझना है कि कभी भी कोई भी फेस्टिव सीजन के बाद या फिर फेस्टिव सीजन तक आने वाले समय में थोड़ा सा अलर्ट रहिए, बैंकों पर अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज क्या होता है कि आप बाद में अफसोस करते हैं। सेकेंड चीज, इस भागी हुई मार्केट में अब बैंकिंग स्टॉक्स को ना पकड़ें, अब थोड़ा सा वेट करें क्योंकि स्टॉक्स काफी भाग चुके हैं, काफी स्टॉक्स बहुत बड़े रेजिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, तो अगर वहां से छोटी सी भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो इन स्टॉक्स में आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीजों को देखें कि अभी स्टॉक की रैली अगर शुरू हो गई तो ये नहीं है कि यहां पर स्टॉक को आपको पकड़ना है। अब आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको करना है वेट। यहां पर अगर आप वेट करेंगे तो जब भी कैश अगर आपके साथ रेडी है तो जब भी मार्केट में सही समय पर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो आपको स्टॉक यहां पे भी देखने को मिलेगा और यहां पे भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखें बैंकिंग स्टॉक्स को, और जिनके पास पोजीशंस हैं वो पोजीशंस अगर लॉन्ग पोजीशंस हैं तो वो लॉन्ग पोजीशंस बरकरार रखें, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म पिक्स हैं तो आप अपने हिसाब से कि आपको लगता है कि इतने रिटर्न मेरे लिए इनफ है तो वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग भी करते हुए चल सकते हैं और अदर स्टॉक्स पर भी फोकस कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक में बढ़िया रैली देखने को मिल रही है, मंडे का मूव कैसे आएगा तो वो हम लोग आपको लेवल बता देंगे, बट अभी के लिए यही अपडेट था। ये अपडेट भी अपकमिंग वीक में काफी हलचल मचाएगा मार्केट में बैंकिंग स्टॉक्स में, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। फर्दर कोई भी अपडेट आती तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।